बेचारे ठाकुर जी पीछे ने। सही बात है कि फिजिकल अपीयरेंस का तो बहुत मजाक है। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं रोटी खोल देओ, सोहेल अहमद, जाफरी खान, इफ्तिकार ठाकुर, अक्रम उदास, बेस्ट परफॉर्मेंस एवर। तो रोटी खोल दो का जो पहला पार्ट है वो हम लोग ने अभी कल देखा था, इतना ज्यादा फनी पार्ट है। कैसे उसमें चौधरी साहब अपना बता रहे हैं कि जो मेरा 5 साल का बेटा था और मेरी पत्नी जो है वो मर गई थी और उसके बाद मैं कैसे पूरी रात गुजारता था, कितना फनी तरीके से वो एक एक बंदे को समझा रहे थे। मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी वो। तो आज के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं इसमें क्या होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 1 इतना मजेदार और इतना फनी था कि हमने उस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया था और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के इस पार्ट 2 के लिए, क्योंकि बहुत मजेदार कैरेक्टर्स थे उसके अंदर और हर कैरेक्टर ने अपना रोल बहुत बखूबी निभाया और हमें खूब हंसाया। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या फनी होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ਇਹਨਾਂ
इतना कलर नहीं। ये हैंड देख रहे हो, ये मैं जेम्स बॉन्ड ने आप इतना सी क्यों कौन छोटा सी कौन छोटा सी वो छोटा ही पक्का ना पूजा छोटा ही छोटा ही छोटा बड़ा ना तेरे घर ते आलू गोश्त इने छोले दा पकदा के दो आलू दे पैर रख के मोटी फड़नी पड़ती है। ये वही कैरेक्टर थे कोट पैंट वाले जो लास्ट मूवी में मदर बने थे। अब ये तो हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। हां जी जो कल मदर बने थे। हां जी आदा बुखार है बहुत मेरा पुत्र को हां जी क्या है चोरी को मार पाड़ी में की होई मैंने कहीं नहीं डरते जो मेरे पापा काट के थे मैं जा पीछे आप कह ले आप कह ले आप कह ले की होया की तू मेरे कान च लगी की होया सप ने एम ए किया फिजिकल अपीयरेंस का तो बहुत मजा आ गया आप क्यों नहीं कहती बहुत ज्यादा मेरे कान च कही जांदी की हो गया कहती ठाकुर एजे जे मैं चाइना दा झावा हूं मैं ठाकुर जी का रिएक्शन ऐसे ही कर लो मजा आ गया चाइना वाले तो झगड़े मैल ही नहीं लांदे बेटे बात तो बन जी पाकिस्तानी को से बंदा चलो कभी लगदा नहीं बड़ी माड़ी हो रही है बस पुत्र मैं मारा फड़ के मगर मैनू पता ना दो ही पाउंदे एक मिनट भी उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया गया बिल्कुल सप दी ते नेवले दी लड़ाई दा अंपायर बड़ी बड़ी मेहरबानी सही गल रोटी खा I'm
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਉਨਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। उनके लिए ऐसे ही डायलॉग लिखे जाते हैं तो उनके अपीयरेंस का मतलब वो बनाया जाता है, फन किया जाता है। और इसमें भी सब लोग मिलके उनको सबसे अच्छा डायलॉग तो वो था, ऐसा लगता है माइकल जैक्सन को शुगर हो गई है, मतलब वो तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। और लास्ट में जैसे उन्होंने बोला कि बिहेव योरसेल्फ, तो सबसे अच्छे मेरे को ये दो तीन डायलॉग्स तो बहुत पसंद आए, बाकी ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी। वाकई में इस वीडियो में इफ्तिखार ठाकुर जी की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि एक्चुअली जब आप पर्दे पर या स्क्रीन पर आप कोई वीडियो या शो देख रहे होते हो तो आपके लिए वो एक मजेदार सीन होता है, लेकिन मैं पर्सनल ये चीजें सोच रही होती हूँ कई बार कि जो कैरेक्टर के ऊपर इतना मजाक उड़ रहा होता है वो उनके अंदर कितनी पावर होती है और हिम्मत होती है कि वो ये सब चीजें जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि हाँ ऑडियंस इस चीज का बहुत इस चीज को लाइक करती है, इस चीज को पसंद करती है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू इफ्तिखार ठाकुर जी जो इतने परफेक्ट पंचेस और इतनी सारी जो है फनी बातें हमारे लिए अपने फिजिकल अपीयरेंस पर लेते हैं, सो हैट्स ऑफ टू हिम। और वीडियो की बात करें तो वीडियो बहुत मजेदार थी, पंचेस बहुत अच्छे थे, और आई थिंक जो पार्ट टू है वो टाइटल को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा था, रोटी खोल दो, जो रियल मीनिंग था वो इस वीडियो में पता चला, तो वीडियो तो बहुत मजेदार थी। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।